वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उम्मीद है तुसीं सारे जणे चढ़ती कला विच होवोंगे। ते मैं हुणे हुण घर दे सारे काम नबेड़ के वेली होई सीगी। मैं कहा चलो हुण मैं वेली आ, बच्चे स्कूल गए आ, फिर उहदे आउण तों पहलां मैं सूट कट लवां। चलो जदों भी टाइम लगदा विच ते सूट कट के तां मैं सी लूंगी। चलो हुण गर्मियां आ, मैं कहा चलो पतला आ सूट भई हुण कितें आउण जाण वेले पै जूगा, तो मैं चलो उन्होंने कट के रख लैनी हाँ भी एक दो दिन सी हो जाऊगा हौली हौली। तो हमने जब स्कूल तो फोन आ गया जप जोत भी तुम इनू लै जाओ आण के, जप जोत की सेहत ठीक नहीं हैगी, तो मैं हूँ उन्होंने लैन जाऊँगी। मैं वही हुई जप जोत की दवाई इतों ही लैके आऊँगी, कभी मैं अगर ले नहीं तो दवाई वो इतों भी। चलो उन्होंने इतों ही आराम आ जाए तो बहुत वधिया गल आ, मैं हूँ उन्होंने लैके आनी हाँ। पहला जप जोत मैं स्कूल तो लै आई हूँ, जुकाम बहुत ज़्यादा होया है इनू। स्कूल तो फोन आया सी कि इसनू लै जाओ जल्दी आण के, साह विच भी थोड़ी प्रॉब्लम है, साह आउंदा ना जुकाम करके आ। हुण मेरी आउंदी हुई दवाई भी लै आई आ, क्योंकि जा के तो नहीं होना, फिर जाना ही पैना सी है। हाँ फिर मुड़ के डॉक्टर ने दोबारा 5 बजे आना सी, इस करके मैं छेती छेती नाल जाके लै आई। पहला असीं दवाई लई, पहली बार की दवाई इथों लई आ, जिन फर्क पै जाए तो इहदी हमेशा ही दवाई जो शुरू तो जलंधरों ही लियाई दी आ, लै आउंदी आ। हुण देखो फर्क पै जाए इहनू, जुकाम बहुत ज्यादा आ। चलो हुण चेंज कर ला। जब जो स्कूल तो लैके आई मैं उहनू, पहला उहने दुध दित्ता सीगा, फिर उह दवाई देती नाल ही उहनू मैं दवाई खा के जरा सौ गया सीगा, थोड़ा फर्क सीगा हुण ठीक सी। जो मैं तो समझ कहा भी ट्यूशन में ना जा, कहना नहीं मम्मा हुण मैं ठीक आ। तो जो स्कूल तो फोन आया कि जब जो मैं जुकाम आ, तुम लै जाओ इन आ के, तो मैं तो एकदम यही होया कि मैं कहा हम इन जलंधर लैके जाना पैना है, कि हम मैं अगले इन्हें कितने लैके जाऊंगी, तो बड़ा औखा हो जाना है। फिर जो जरा टाइम उतले का सगा भी उतो भी डॉक्टर जरा उठ जाता है, तो उन्होंने मुड़ के आने शाम 5 से 7 बजे तक बहुत आ, तो मैनू फिर जाना औखा जहा हो जाना सर बहुत। तो कहना मम्मा जो देख लो तुम भी इतों ही दवाई लैके देख लें, कभी मैं भी दवाई इतों लई नहीं अज तक, पहली बार मैं उन्होंने को दवाई लई है जप जोत की, तो चलो फर्क पै गया है ना। तो हम बाकी आए तो पता लगेगा ट्यूशन तो जिदा ठीक है ना, तो चलो बुखार जहा भी हो गया से इन्हू, बहुत औखा हो जाता है। सो मन तो मिलता इतों ही जो आराम आ जाता है, जप जोत का सामने औखा होंगे भी इन्हू शुरू तो इतों लग जाते रहे हैं अ। हम दोनों जने कह के गए हैं, सुखमन में भी 2-3 दिन हो गए थे बुखार बहुत चढ़ता है, तो हम वो तरह अज ठीक से अज स्कूल गई वो भी, हम कह के गए थे कि मम्मा भी आले छोले बना के रखे तरी सवाद दी, तो चलो थोड़ा मूँह सवाद थोड़ा हो तरह होया है, तो हम काले छोले भेजते थे स्कूलों आए उसने, हम सीटियां लगा लिया, हम तड़का लाऊंगी उन्होंने भी। अज मैं कपड़े धोन भी लेट ही हो गई, अगर जो जब जो स्कूल तो आते हैं तो उसने ना लगते कपड़े धोने नहीं होंगे, धुप भी होंगी है उस दिन कपड़े चलो सुक जाते धुप के लिए, तो मैं इस दिन ना लिया होंगे कपड़े मैं धो के हम टाइम से पाते हैं, रात को इन्हें मैं अंदर रख लूँगी। हम पानी ठंडा आया, तो हम मैं पहला गमले से सारे जो पानी पा दूँगी, बच्चे जो स्कूल तो आते हैं तो ठंडा पानी मंगते हैं, तो डॉक्टर ने भी अजे यही कहा है कि तुसी पानी का इन्हों मिक्स करके दिया करो, भी ठंडा पानी बहुता ना पीने दिया करो, भी हूँ इन्हों भी मैं कोल्ड कॉफी भी जी पीते हैं तो वह भी बंद कर देनी है, तो हल्का तो कोसा दुध ही दिया करूँगी हूँ गर्म करके इन्हों मैं, तो वह दसते सी डॉक्टर भी काफ़ी लोगों बुखार आ। तो कल मॉर्निंग जो मैं 4:30 बजे उठी तो धुंद पई होगी, तो सवेरे ठंडा होंगे आ, तो दोपहरे शामी गर्मी बहुत होंगी आ, मीह भी नहीं आते, हम भी बहुत ज़्यादा होया है, तो गर्मी के नाल भी जुकाम हो जाता है। तो डॉक्टर ने कहने अनुसार कि तुसी खाने पीने का अपना परहेज रखो, तो बहुत ही ठंडिया चीज़ा ना इस्तेमाल करो हूँ, मौसम का फर्क पैन करके आ, तुसी ख्याल रखो बच्चों का।
हम मैं इधर वाले गमले में भी पानी पा दूंगी। हम मैं तुम दिखाई हाँ मेरे ना गमलिया च फुल निकल लगे इन च आखो डोडिया निकलिया निके निकलिया आखो निके निकिया डोडिया निकलिया इन्हों मेन लगता ही नहीं ऐतकी कि मैं क्या पता नहीं इन्हों फुल नहीं निकल डे है तो पता नहीं इन्हों लाया भी मैं 3 साल हो गए ये वाले बूटे न तो पता नहीं हनी हूँ शायद निकलने कहीं निकलने फुल इन्हों पर नहीं निकल ला पाए एक बू एक गमले च तो निकली मैं तुम दिखाई हाँ देखो किन्ना सोहना चिट्टे रंग का निकलिया ये होर भी बहुत सारिया डोडिया निकल आईया इन हूँ यह भर जाना हूँ ये चिट्टे रंग का आ मैं याद नहीं शायद वो गुलाबी रंग का शायद एक मैं इधर ला आया इन भी एक डोडी निकली है हले इन भी शायद चिट्टे रंग के लगन गए इन भी फुल जो बूटिया से फुल निकलते हैं तो बहुत खुशी होंगी है। दाल मैं बना ली थी छोलिया की बच्चों ने कहा तरी खानी अभी छोलिया की अज रोटी अस सात ही खावे बिलकुल दही वगैरह अचार कुछ नहीं लवेंगे ना क्योंकि बच्चे दोनों ही ठीक है जो हम अभी रोटी खा लेंगे पहला बच्चे दोनों रोटी खा के हम सौ गए तो उन्होंने मैं दोनों दवाई भी देती है जब जो थोड़ा जहाँ ढिला जहा आ हल्का हल्का बुखार भी लगता उन्होंने जुकाम हाले है माड़ा माड़ा सवेर में डेट ठीक होया तो मैं स्कूल भेजूंगी तो नहीं तो फिर छुट्टी करा लवोंगी कल थोड़ा रेस्ट कर लूँगा। तुहानू अज्ज दी साडी वीडियो कि लगी मैंने कमेंट करके जरूर दस्सियो साडी वीडियो में लाइक शेयर तो सबसक्राइब जरूर करियो मिलते हैं हम आप नैक्सट ब्लॉग के तब तक जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।